वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यहाँ जनता का मूड क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं उन सीनियर जर्नलिस्ट से, उन पत्रकारों से जो जनता के बीच में गए हैं, जिन्होंने जगह जगह सर्वे किए हैं, जिन्होंने महसूस किया है कि किस जगह कैसा करंट है। सबसे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद लोकसभा सीट का करंट क्या दिख रहा है आपको? सर, इलाहाबाद लोकसभा सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमन जी हैं, उनको बहुत पहले टिकट मिल गया था और नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, रमेश सिंह जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं। लड़ाई दो में है, कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमन में और नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन देखा ये जा रहा है कि उज्ज्वल रमन सिंह की जो राजनीतिक बैकग्राउंड था उसका उनको भरपूर फायदा मिल रहा है। साथ में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 30 लाख युवाओं को रोजगार देना, 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं के खाते में जाना और फर्स्ट ग्रेजुएट को 1 साल की अप्रेंटिस, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बड़ा काम कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कोराओं में, यानी इलाहाबाद की जो पांचों विधानसभा उसमें कोराव है, मेजा है, करछना है, बारा है और शहर दक्षिणी है। मुझे तो ये लग रहा है कि उज्ज्वल रमन रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, यानी कि कांग्रेस की ये सीट निकल सकती है। आज का ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है, लीड पर है आप? लीड पर है, हाँ, वेरी अच्छी लीड। आपसे जानना चाहेंगे इस बार, अभी तक तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, नया चेहरा आया है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी कर रही है, आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि उज्ज्वल रमन सिंह ट्रेंड्स में ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पिछला रिकॉर्ड इन्होंने नहीं देखा विधानसभा का। उस समय यहाँ पे पीयूष रंजन निषाद ने उज्ज्वल रमन सिंह को विधानसभा में ही हरा दिया था। इसका मतलब ये है कि वो अपने ही विधानसभा में बहुत कमज़ोर हैं। और ये पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम नए चीज को देखें कि ठीक है, इनका कहना है कि घोषणा पत्र में, हाँ, उसी लिए हम कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में इन्होंने कई ऐसे वादे कर दिए, कई चीज़ें कर दी, लेकिन सबको पता है कि अगर हम अभी आपसे कहें कि हम आपको परसों, आज आप हमें ये दे दीजिए, परसों हम आपको एक फ्लैट दे देंगे, तो आप भी ये जानते हैं कि जब हमारे पास फ्लैट नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से? जनता के मुद्दे क्या दिख रहे हैं आपको? हमें देखिए, जो हम पत्रकारों की निगाह से अगर हम देख करके बात करेंगे तो हमें साफ और साफ दिख रहा है कि नीरज जी की छवि बहुत क्लियर है। उनके पिताजी की जो यहाँ की रही है कि लोगों से मिलना जुलना, प्रेम, उनके इस क्षेत्र के लोगों में बहुत प्रेम है उनसे। और नीरज जी साफ सुथरे छवि के व्यक्तित्व हैं, यहाँ डबल एजी भी हैं। और मुझे नहीं लगता कि उज्ज्वल रमन सिंह की जो उनका बैकग्राउंड है या जो उनके पिताजी का बैकग्राउंड है, हमेशा से करछना और करछना में, बारा में, इन जगहों पर इन लोगों ने, इनके पिताजी के समय में भी हमने देखा है, ये बूथ कैप्चरिंग पर फोकस करने वाले लोग हैं, ये जनता के बीच जा करके चुनाव नहीं लड़ते। एक पत्रकार के नजरिए से ग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कि नीरज जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे। जी शास्त्री जी, आप बहुत पुराने लोगों में हैं, जनता का मूड क्या दिख रहा है आपको? चूँकि अब तो स्थितियाँ सामने हो गई, सारे सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है, क्या पढ़ पा रहे हैं आप? देखिए दिनेश जी, जहाँ तक गठबंधन के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज जी, दोनों लोग पहली बात तो पिता के विरासत पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ उज्ज्वल रमण या गठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात है, तो कंटिन्यू उनके पिताजी भी 2004 से ही हारते हुए हर बार किसी सूरत में एक बार जीते हैं, लेकिन बराबर जनता के चुनाव से जीते नहीं हैं। जहाँ तक संदेश मिला है, एक भी बार वो जनता के चुनाव से नहीं जीते हैं। 2004 से लेकर कंटिन्यू अब तक में तो कंटिन्यू छोटे छोटे, मतलब ये एकदम नॉर्मल व्यक्तियों से चुनाव हारे हैं, चाहे वो कलेक्टर पांडे से हो, चाहे वो पटेल जी के माध्यम से, चाहे पीयूष रंजन जी से हो, वो बराबर हारे हैं। दूसरी बात, दोनों लोग पिता की विरासत पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज जी के पास मोदी नाम एक है, वर्तमान में जो मोदी नाम चल रहा है, मोदी सबसे बड़ा उनके लिए प्रभावकारी है, जिससे नीरज का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जी, कुछ और लोग हैं, आपने जमीन पे देखा है, जातीय समीकरण को समझा है, उस इलाके में आपने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की है, क्या मूड नज़र आ रहा है जमीन पर जो दिख रहा है? देखिए, ग्रामीण अंचल का जो मतदाता है वो पूरी तरह से साइलेंट है, और अगर देखा जाए इसमें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन जो है, इसमें प्रत्याशियों के साथ तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन चलने वाले लोग वोट में कन्वर्ट होंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अफवाहें या वो हैं तो उसमें कोई कह रहा है कांग्रेस जीत रहा है, कोई कह रहा है भाजपा जीत रही है, लेकिन वास्तविक ये है कि कांग्रेस और भाजपा में इलाहाबाद संसदीय सीट पर कांटे की टक्कर है। अगर हम बात करते हैं करछना और बारा और कोराव की,
तो कोराव और करछ 12 ऐसी तहसील है जो पाठा क्षेत्र आता है, पहाड़ी क्षेत्र और बुंदेलखंड का उसमें दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन अगर हम देखें जमीनी हकीकत पर तो 12 तहसील के अधिकांश गांव ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद ही पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। जो कई जनप्रतिनिधि वहाँ से हुए, वहाँ से विधायक भी हुए, सांसद भी हुए, लेकिन उस पर कभी किसी का फोकस नहीं हुआ। बारह तहसील के अगर देखें कई गाँव में ग्रामीणों के द्वारा जो है चुनाव बहिष्कार की भी बात कही गई, जिसमें अतरसुईया ग्राम सभा हिनौती पाए जहाँ पेयजल और विकास की बातों को लेकर के। तो ये तो है कि दोनों प्रत्याशियों में जबरदस्त कांटे की टक्कर है, लेकिन ये पता हमें केवल 4 जून को ही लग पाएगा कि कौन जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो स्थितियां बन गई? मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो देखिए, देखा जाए तो नीरज जी को मिला, नीरज पार्टी को मिला है भाजपा से, और ग्राउंड में क्या किसका करंट दिख रहा है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए पब्लिक जो आम जनता है, जो निचला तबका जो वोट देता है, जो मेरा मानना है जो वोट देता है उसको मकान, राशन और दवा, ये 3 फैक्टर है मेन जो उसके लिए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, और अगर वोट निचला तबका भाजपा को देता है तो जाहिर सी बात है कि उनका पल्ला भारी दिख रहा है, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है। संविधान बचाओ यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं इलाहाबाद? सर ये मुद्दा ज़्यादा काम कर रहा है इलाहाबाद सीट पर, और यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि लगातार 2 बार सांसद भाजपा के लोग देख चुके हैं। इन लोगों का इच्छा है कि इस बार बदला जाए। तो जमीन में ऐसी चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। मैं कल ही गया था और वहाँ पर देखा तो वर्तमान में जो है उज्ज्वल अमर सिंह के साथ लोग हैं वहाँ की जनता, उनका कहना है कि ये हमारे बीच के रहने वाले हैं, और नीरज जी को तो तमाम ऐसे भाजपा कार्यकर्ता हैं जो शायद पहली बार मिल रहे हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ की जनता बदलाव चाह रही है और उम्मीद है कि नीरज। तो प्रयागराज में जो जर्नलिस्ट हैं उनका कहना है कि अभी जो स्थितियां दिख रही हैं वहाँ इलाहाबाद लोकसभा सीट में कम से कम आमने सामने का टक्कर का मुकाबला है, ये अभी तय नहीं किया सकता कि कौन किसको लीड कर रहा है। आगे आने वाली 4 जून को इसका फैसला जनता करेगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।